नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ की टीम ने सोमवार को कौशाम्बी जिले के महिवा घाट इलाके में छापेमारी की। टीम ने अभियान चलाकर बगैर रॉयल्टी के गिट्टी और मोरंग लादकर निकल रहे 22 ट्रक और डंपरों को पकड़ा। इनमें से 18 वाहनों के चालक कोहरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इन सभी वाहनों के खिलाफ खान निरीक्षक ने महिवा घाट कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। टीम के औचक निरीक्षण से अवैध परिवहन करने वालों में भी हड़कंप मचा रहा। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसरा थाना क्षेत्र में गौवंश हर गली चौराहे पर घूमते हुए या बैठते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इनके रहने की उचित व्यवस्था भी न होने के कारण ये गौवंश सड़कों पर घूमते घूमते ठंड से तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर हैं। गौवंशों के लिए बातें सिर्फ कागजी ही साबित हो रही हैं। बलिया में एक बार फिर से एक और गौवंश का शव देखने को मिला। जितने हैं छूटे, उसका कोई सरकार व्यवस्था नहीं बना रही है जी। सब खाने बिना ठंडी में मर रहा है। इसका बारे में यही है कि रोड पर टहलते थे, कपाले ने धक्का मारा, खाने बिना पानी बिना तड़फड़ा रहा था जी। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।